हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं TGT 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स की संरचना होती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आरएनए तथा प्रोटीन्स में। इसकी कुछ व्याख्या जानते हैं। राइबोसोम्स की संरचना आरएनए तथा प्रोटीन की बनी होती है। आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण उन्हें राइबोन्यूक्लिक यूप्रोटीन कण भी कहते हैं। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पेराडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। राइबोसोम्स सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये अंततः प्रायद्वीपी जलिका से जुड़े रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक एवं किंद्रक में भी पाए जाते हैं। प्रश्न हमारा है दूसरा, पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया। तो ये जो तीन ऑप्शन दिए गए चार, तो इसमें चौथा सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बाली वी एनी द्वारा देखा गया था, जो इसमें ऑप्शन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा, कौन सा हार्मोन्स ब्रसल के द्वारा स्त्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा ए, टेस्टोस्टेरोन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा। तो चौथा हमारा है, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अग्नाशय में अपार ग्रंथियाँ, ठीक, होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन मादा लिंग हार्मोन्स है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्ट्रेंडियाल। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, दृष्टि सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्वसन में। अगला क्वेश्चन, यकृत कृत्रिम के जीवन चक्र की वह व्याख्या जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सर्केरिया। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 8, निम्न में से द्विलिंगी जंतु है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जोंक, द्विलिंगी जंतु है। अगला क्वेश्चन है 9वां, केंचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 10 तथा 11, 10 और 11। अगला क्वेश्चन है 10वां, तिलचट्टे में पायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टारपोरा पिलेटा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यानों में बबर शेर का संरक्षण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गिर, ठीक है। अगला है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अग्रपीयूष ग्रंथि से। अगला है, हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मॉर्फोलैक्सिस से। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, प्रथम स्तनी प्रकट हुए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ट्रायसिक काल में। अगला है, मेंढक में द्वितीयक कपाल तंत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्टिक तंत्रिका। अगला है, फर्टिलाइजिन एक रासायनिक तत्व है जो उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी, परिपक्व अंडे से। अगला है, प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित हुई सन 1859 में। अगला क्वेश्चन, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुड़िय झिल्ली गुड़िय मूत्राशय का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए, अपरापोषिका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइटन युक्त वाम कंकाल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कीटबर्ग में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है। समुद्री एनिमोन, पैरामीसियम में संयुग्न में किसका आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर ए, लघु केंद्रिका का। पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी, यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन 26वां, इनमें से कौन सा अंडा देने वाला स्तनी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्लेटिपस।
अगला है, कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तट के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी, तटीय प्रवाल भित्ति। अगला है, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्सर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफाई एरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए, आरिलिया। अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी, 32। अगला है, बजुरूपता देखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, सीलेंटेरेटा में। अगला क्वेश्चन, जावा मानव की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी, यूजीन ड्यूवायस ने। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर, उपापचयी जल किस क्रिया का उपोत्पाद है। ऑप्शन नंबर डी, ऊतकीय श्वसन। अगला क्वेश्चन, मार्सिलिया की जीवाणु फलिका है। ऑप्शन नंबर ए, बहुबीजाणु धारक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जलीय टेरिडोफाइटा है। ऑप्शन नंबर बी, एजोला। अगला, निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइटा द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी, आइसो इट्स। अगला, प्रोफेसर डीडी पंत ने अनावृत्ति जीवी को बांटा है। ऑप्शन नंबर बी, तीन डिवीजन विभागों में। ठीक है, तीन डिवीजन में। अगला क्वेश्चन है, विशालतम बायोफाइटा है। ऑप्शन नंबर बी, डाबसोनिया। अगला क्वेश्चन, किसके तने में प्रोटो स्टील पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपोडियम में। लाइकोपोडियम के तने में प्रोटो स्टील पाया जाता है। अगला, पेरिडोफाइटस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, संवाहन क्रिप्टोगैम्स। अगला क्वेश्चन, लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी, संबीजाणु कीयता को। ठीक है, अगला, सिलेजिनेला के तने में ट्रेबिकुली है। ऑप्शन नंबर ए, अंतस्थ त्वचा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, RUDP, कार्बोक्सीलेज में। अगला हमारा है 47, किस पौधे द्वारा रेशा तेल व जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कपास। अगला, गेहूं का दाना होता है। ऑप्शन नंबर ए, फल। अगला, गोसिपियम हिरसुटम है। ऑप्शन नंबर डी, नए विश्व की फसल तथा चतुरंगुलिक। नए विश्व की फसल तथा चतुरंगुलित। ऑप्शन नंबर डी, नए विश्व की फसल तथा चतुरंगुलित। अगला क्वेश्चन है, 50, पूर्ण सत्यता का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, हेवरलैंडट द्वारा। अगला है, साइकस रिवोल्यूटा बहुधा उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सजावटी पौधों के रूप में। इन्वर्टेड ओमेगा के आकार में संवाहन पुल रिंग बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, साइकस के रिकिस में। पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है। ऑप्शन नंबर बी, बाई आकार का। अगला है, पाइनस में बीजांड का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए, एनाट्रोपस। अगला है, कायिक जनन अधिक सामान्य होता है। ऑप्शन नंबर सी, रिक्सिया युग्म कोदभित्त में। अगला क्वेश्चन, समसूत्रण व अर्धसूत्रण सदैव किसकी उपस्थिति में के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, युगली। अगला, एक अवसादी जीव भू रासायनिक चक्र होता है। ऑप्शन नंबर डी, गंधक चक्र।
गंधक चक्र। अगला है अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्स होता है? ऑप्शन नंबर सी जाइगोस्टीन, जाइगोस्टीन। अगला क्वेश्चन है एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए शून्य। अगला है एक मूल उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचय करता है? ऑप्शन नंबर ए 0.1। अगला पेट्रोपादक पादप सर्वप्रथम पहचाने गए हैं? ऑप्शन नंबर डी एम केल्विन द्वारा। अगला नारियल का भ्रूण कोष है? ऑप्शन नंबर सी कोशिकीय तथा केंद्रकीय दोनों। स्व अनिषेच उभय लिंगिता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी मदार में। अगला है स्थूल बीजांड की यह बीजांड प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर बी विकसित बीजांड का है। अगला है पर्ण है एक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा पर्ण है, ठीक है। अगला कीट जो अपने अंडे जल में देता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा ड्रैगन मक्खी। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सर्प विषैला नहीं है? ऑप्शन नंबर बी पाइथन। शहद की मक्खी में बैगल नृत्य का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना। अगला ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग का स्थानांतरण किसके काटने से होता है? ऑप्शन नंबर ए जीनोप्यासाइला चीओपीस। अगला कालाजार तथा ओरिएंटल सार रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा सेंड मक्खी। अगला निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याद दाशत कमजोर हो जाती है या कमजोर हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम। सेरिब्रम हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है। ये बुद्धिमता चेतना शक्ति व स्मर शक्ति के केंद्र हैं। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का यह विश्लेषण वह समन्वय होता है तथा ऐच्छिक पेशियों की समुचित प्रक्रियाएं हेतु संवेदना प्रसारित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है? ऑप्शन नंबर सी परासरण नियंत्रण। अगला है हाथी पांव अथवा फाइलेरिया का रोग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन नंबर बी मच्छर द्वारा। हाइड्रा के निमेटोस्टीट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोनोटॉक्सिन। अगला है पूर्ण भेदन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी चूजा में। अगला है इम्बडेन मेराफ मत प्रतिबंधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन को। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोमों की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन नंबर डी गोल्जी उपकरण से। अगला है एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं? ऑप्शन नंबर सी संक्रिय ऊर्जा को घटाकर। यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो पट्टिकाओं की गिनती बढ़ जाएगी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा एड्रीनेलिन हार्मोन बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर सी इनमें दोनों अर्थात हृदय विस्पंदन और रक्तदाब दोनों बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो पट्टिकाएं की गिनती बढ़ जाती है? अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होमो इरेक्टस तथा क्रोमैग्नन मानव के से किस बात में भिन्न था? ऑप्शन नंबर ए डलावा जबड़ों में। अगला है
लाइट प्लग किस प्रक्रिया में बनता है? ऑप्शन नंबर ए गैस्टुलेशन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी कंकाल मध्य स्त्रीय है। कंकाल मध्य स्त्रीय अगला है 85। मेंढक में ग्लाटिस का नियंत्रण किस पेशियों के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी एरिटिनॉइड कॉर्टिलेज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कशेरुक ऊतक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत होगा? ऑप्शन नंबर सी कंडरा। अगला है बायोलॉजी शब्द का परिचय करता है या कराया था, किसने कराया था? इसका आंसर सही होगा लेमार्क ने, बायोलॉजी का जो परिचय कराया था वो लेमार्क ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्यूबर कूलर तथा कैपिटुलर सिर भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर डी पसलियों के। अगला है लीसमैनिया डोने बेनाई तथा कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा कालाजार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी तिलचट्टे में। अगला नवजात शिशु से यदि थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो जिन कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाएगा वह हैं? ऑप्शन नंबर सी सही होगा टी लिम्बोसाइट। अगला तिनिया अपना भोजन ग्रहण करता है केवल देह वृत्ति द्वारा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 94 रेशम ग्रंथियां हैं रूपांतरित लार ग्रंथियों के रूप में, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 95 बच्चों के दुग्धपान के समय स्तन में दूध का निष्कासन करने वाले हार्मोन्स का नाम है? ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। अगला है इक्वसीटम के वायवी तने में निम्न में से क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी पटके एवं खांचे दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इक्वसीटम के इस के तने में कुटकी नलिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा संबान पूल में। अगला है निम्नलिखित में से कौन मरुद भेद है? ऑप्शन नंबर डी इक्विसिटम। अगला है लघु क्लाव मास प्रचलित नाम है? ऑप्शन नंबर ए सिलेजिनेला का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा है? ऑप्शन नंबर सी मार्सिलिया। बहुकोशिकीय तिरछे पट युक्त मूला भास पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी फ्यूनेरिया। अगला है निम्नलिखित में से रिक्सिया की कौन जाति जलीय है? ऑप्शन नंबर बी आर प्लूटेंस। अगला है 103 निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रय जाति है? ऑप्शन नंबर डी आर हिमालय एंसिस। अगला है 4 फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है? ऑप्शन नंबर ए गोप। 105 नंबर है रिक्सिया के पुमड़ू हैं? ऑप्शन नंबर बी द्विक सभी की। अगला है हमारा नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला पेरिडोफाइट है? ऑप्शन नंबर ए एजोला। एक शुष्क फल चिलागोजा किस प्रजाति का है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा पाइनस। अगला साइकस के सूक्ष्म बीजाणुओं पर लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा अपाच तल पर। अगला आर ओ दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी श्वसनीय पदार्थ की प्रकृति। अगला हमारा क्वेश्चन है किस सिद्धांत द्वारा हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी निर्माण का वर्णन होता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा मिसेल के रासायनिक प्रसरण सिद्धांत द्वारा। अगला है पाइनस का काष्ठ है? ऑप्शन नंबर ए सघन दारुक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है
जीवित लघुतम अनावृति जीवी पौधा है? ऑप्शन नंबर ए जैमिया। अगला हमारा पाइनस में परागकण का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए वायु परागकण। अगला है निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? ऑप्शन नंबर बी डिंगको बाइलोबा। अगला हमारा क्वेश्चन है पाइनस के बीज पर पंख विकसित होते हैं? ऑप्शन नंबर डी बीजांडधर सल्क से। ऑप्शन नंबर जायंत रचित करता है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वर्तिकाग्र युक्त अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है नियोसिया पौधा है? ऑप्शन नंबर ए मृतोपजीवी। एक पौधे को उत्पन्न हेतु 10 घंटे से कम नहीं समय प्रकाश आवश्यक है तब वह पौधा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ प्रदीप्तकाली पादप। अगला है 119 है अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा कोशिका दीर्घीकरण। अगला है जाति व उपजाति के बीज की जाति को कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी अर्ध जाति। अगला है विश्व की प्रमुख खाद्य फसल? ऑप्शन नंबर ए गेहूं। अगला है कवक सदैव है? ऑप्शन नंबर ए विविध पोषी। 123 लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा साइफेला। अगला है धान की खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला साइनोबैक्टीरिया है? ऑप्शन नंबर बी आलोसाइरा। अगला है जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी मीसोसोम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें।